हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की नई लॉन्च होने वाली एक्सेल 7 कार के बारे में। एक्सेल 7 जो कि बहुत हद तक देखने में मारुति सुजुकी की तरफ से 6 महीने पहले लॉन्च हुई एक्सेल 6 की तरह ही है, पर थोड़ी रिसर्च के बाद पता चलता है कि ये एक्सेल 6 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो इसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं और जो इसको इतना प्रीमियम बनाती है, जो इसकी प्लास्टिक्स है, उसे हम अर्टिगा या फिर एक्सेल 6 जैसी कार से कंपेयर नहीं कर सकते। तो भाई पूरा वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हम कम से कम टाइम में आपको सारे फीचर्स, लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बता पाएँ। ऐसे ही कार की और नॉलेजेबल वीडियोस के बारे में अपडेट रहने के लिए आप जल्दी से जाएँ और सब्सक्राइब करें। तो एक्सेल 7, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यह एक 7 सीटर MUV कार है, जिसे इंडिया में लॉन्च होना चाहिए था एक्सेल 6 की जगह। तो बात कर लेते हैं कार फ्रंट से कैसी दिखती है। स्टार्ट करते हैं ग्रिल्स से। तो ग्रिल्स पे देखा जाए तो मैट ब्लैक कलर की ग्रिल्स हैं, जिसपे कि दो लाइंस जा रही हैं क्रोम की, जो कि इसे बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और मस्कुलर बनाते हैं। बात कर लेते हैं हेडलैम्प सेटअप की। तो इसमें क्वाड हेडलाइट्स लगाई हुई हैं, दो जो कि हम नॉर्मल बीम लाइट्स पे यूज़ करते हैं और दो जब हम हाई बीम पे रात में कार चला रहे होते हैं। उसके अलावा जो अट्रैक्ट करती है वो है इसकी लोअर स्कर्टिंग, जो इसको और ज़्यादा मैस्कुलिन लुक देते हैं। बात कर लेते हैं टायर साइज़ की। तो इसमें आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क होगी और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। एक्सेल 6 के कंपैरिजन में ये साइज़ एक साइज़ बड़ा है। वो एक्सेल 6 में हमें 15 इंचेस मिलते थे, लेकिन इसमें 16 इंचेस है। और VVT की हमें बैचिंग मिल जाती है साथ में इसमें। बॉडी कलर ORVMs के साथ इंडिकेटर्स हैं। गाड़ी की छत पे आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि लुक वाइज भी अच्छी लगती है और गाड़ी की बूट कैपेसिटी को भी बढ़ा देती है। साथ ही साथ इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी अल्फ़ा और बीटा मॉडल में। बैकडोर नॉर्मल एक्सेल 6 की तरह है। पीछे से कार देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कराती है। रियर सेंसिंग वाइपर्स हैं, साथ ही साथ LED टेल लैंप्स हैं। रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बूट स्पेस जानने से पहले आप ये मारुति की स्मार्ट फीचर देखिए, जिसमें आप ये दो स्पेस को खोल के ग्राउंड में भी सामान रख सकते हैं, क्योंकि स्टेपनी गाड़ी के प्लेटफॉर्म में जुड़ी हुई है। थर्ड रो को फोल्ड करने के बाद हमारे पास स्पेस हो जाती है कुछ 500 लीटर के आसपास, जो कि मोर देन इनफ होती है। ग्लोव्स ऑफ चार्जिंग जैसी फीचर्स इस कार को एक्सेल 6 या फिर अर्टिगा जैसी कार से अलग करते हैं। अब बोनट खोल के आ जाते हैं गाड़ी के दिल यानी इंजन की तरफ। इंजन हमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, यानी कि 1500 cc का इंजन जिसे हम कहते हैं। वो इंजन हमें एक्सेल 6 और एक्सेल 7 दोनों का सेम प्रोवाइड किया जाता है। और कार का जो सर्टिफाइड माइलेज बताया गया वो 19.1 किलोमीटर बताया गया कंपनी की तरफ से। और आइए अब कीलेस एंट्री लेते हुए चलते हैं कार के अंदर। कार को खोलते ही पहले से वाली मारुति की सारी गाड़ियों से ज़्यादा प्रीमियम फील आती है। 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ फुली बटन माउंटेड स्टीयरिंग व्हील, जो कि आपको कुछ कुछ डिज़ायर जैसी गाड़ियों की याद दिलाएगा। टिल्ट स्टीयरिंग है, जिससे कि ड्राइवर अपने हिसाब से स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकता है। इन बटन से हम अपने वॉल्यूम्स को अप डाउन और आगे पीछे कर सकते हैं। टैक्स को हॉर्न वही सेम बीच में है इसका। यहाँ पे लाइट्स के स्विच दिए गए हैं। और ये हैं फ्रंट और रियर वाइपर कंट्रोल्स विद डीप वॉचर। कुछ इस तरह है इसका स्पीडोमीटर जिसमें दे रखा है, और RPM मीटर, बीच में एक MID स्क्रीन है छोटी सी। और ये जो डुअल टोन का कलर होता है डैशबोर्ड पे, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, जो कि इस कार में और इस सेगमेंट की कार में बहुत ही हद तक नया है। कुछ स्पेस रखने की जगह पे है यहाँ पे। एक ट्विटर विंडो पे यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो पियानो ब्लैक में जो फिनिश दी गई है, ये पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। गाड़ी के लुक को बहुत हद तक एनहेंस करती हैं ये सारे आपके विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, ORVM के कंट्रोल्स हैं।
और जो ये स्पेस है, ये 1 लीटर की बोतल से तो बहुत ज़्यादा ही स्पेस है, जो कि एक पॉजिटिव बात ही है गाड़ी के लिए। और ये हैं कैबिन लाइट्स, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, आपने पहले भी मारुति की कार्स में देखी होंगी। को ड्राइवर साइड सनशेड में आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, जो कि ड्राइवर साइड में हमेशा से मिसिंग है। कंफर्टेबल सीट्स के साथ सीट बेल्ट्स हैं। ये है आपका 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपका एप्पल ऑटो से लेकर कार एंड्रॉयड प्ले सब चलता है, जो कि कार के लुक को भी बहुत हद तक एनहेंस करता है। ये हैं सारे आपके एसी के कंट्रोल्स। मुझे भी पर्सनली और फैक्ट्स की बात भी ये कि इस कार का इंटीरियर और एक्सटीरियर पहले से बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, अगर हम XL6 या अर्टिगा जैसी कार से कंपेयर करें। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो प्राइस इसका होगा 12.5 लाख से लेकर 16 लाख तक, और लॉन्च डेट है मार्च 2021। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी गाड़ियों की अपडेट लेकर आ पाएँ। थैंक यू।